बारी बारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी। मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है, और मैं हूँ परशुराम और आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके पास। मेरे चैनल के द्वारा 7, 8, 9, 10 के तृतीय भाषा हिंदी और कन्नड़ मीडियम के समाज विज्ञान के वीडियो मिलेगी आपके संबंधित कक्षा को। वीडियो को आप लोग देखना ही नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाने से आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और यह जो वीडियो है 9वीं कक्षा की, जो तृतीय भाषा हिंदी विषय में लगा हुआ एक कहानी है, गुलाब सिंह। और इस गुलाब सिंह कहानी की प्रश्नोत्तरी की वीडियो यह है। इससे भी पहले 9वीं कक्षा के संबंधित वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ। दूसरा पाठ कहानी गुलाब सिंह पाठ के अभ्यास के गतिविधि के सभी प्रश्नोत्तर की गतिविधि इस वीडियो में है। मुख्य प्रश्न एक, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? उत्तर था, बीमार के कारण बालक का खाना बंद कर दिया गया। प्रश्न दो, बहन ने भाई को क्या खिला दिया? उत्तर था, बहन ने भाई को गुड़ और चने खिला दिया। प्रश्न संख्या तीन, शहर में क्यों आतंक छा गया? उत्तर था, बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, इस कारण शहर में आतंक छा गया था। प्रश्न चार, पानी में थाली में क्या जल रहा था? सॉरी, और इसका सही उत्तर है कि थाली में दिया जल रहा था। मुख्य प्रश्न एक के अंतर्गत पांचवा प्रश्न है, झंडा किससे बना? झंडा बहन की ओढ़नी से बना। इसी प्रकार छठा प्रश्न है, बहन ने क्या थाम लिया? उत्तर था, बहन ने झंडा थाम लिया। यहाँ तक कुल मिलकर 6 प्रश्न थे एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। आगे है मुख्य प्रश्न दो है, दो या तीन वाक्यों में उत्तरों को लिखना है। भाई को बहन कैसे विदा करती है? बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखरा कर आरती उतारी, भाई ने बहन के पैर छूकर विदा लिया, बहन ने भाई को सिर पर हाथ फेराकर भलैया ली। प्रश्न दो, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया? उत्तर है, बहन ने भाई को गिरते देखकर दौड़ पड़ी, भाई का शरीर खून से लथपथ पड़ा था, बहन ने भैया भैया कहकर पुकारती रही। अगला प्रश्न है, जोड़कर लिखा गया है स्तंभ अ और स्तंभ ब के वाक्यांशों को। बालक सारे घर का सही जोड़ी था कि दुलारा था। दूसरा है, भाई खून से लथपथ पड़ा था। जो तीसरा प्रश्न है, बड़ी दूर जाना है तुम थक जाओगी। अगला है मुख्य प्रश्न चार, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है, आभा मंडल, और इसके लिए सही वाक्य का प्रयोग किया गया है कि आकाश में चारों तरफ आभा मंडल रहता है। दूसरा प्रश्न, जुलूस, हमारे गांव में मेले के समय में जुलूस निकलता है। इस प्रकार सार्थक वाक्यों को बनाना है। अगला है जो शब्द आतंक, शहर में आतंक छा गया था। वाक्य में प्रयोग करने के लिए चौथा शब्द है हुक्म है। हुक्म शब्द का अर्थ आदेश। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। इस प्रकार आपको क्या करने की, कर्ता कर्म क्रिया पदों के सहारा लेकर आपको सही वाक्य का निर्माण करना है, सार्थक होना है। अगला है पांचवा मुख्य प्रश्न में दिए गए शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग कर लिखना है। इसमें संज्ञा शब्द है माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, गोली, खून। इसी प्रकार सर्वनाम के अंतर्गत आते शब्द है वह, उसे, अपने, इन, उन्होंने। अगला है मुख्य प्रश्न छठा है, वाक्यों में से विशेषण शब्दों को अलग कर कर लिखना है। पहला वाक्य है, काला कुत्ता भौंक रहा है।
इस शब्द में से, इस वाक्य में से सही विशेषण शब्द है काला, वहाँ पर कला हुआ है, सॉरी काला होना है। दूसरा है तोता हरे रंग का है, इस वाक्य में विशेषण शब्द है हरे। अगला जो वाक्य है वह पीला पपीता खा रहा है, इस वाक्य में से सही विशेषण शब्द है पीला। इसी प्रकार चौथा है सुंदर लड़की खूब गाती है, और इस वाक्य में जो विशेषण के शब्द है सुंदर। ये तो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को दर्शाता है और इन्हें ही विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न चलेंगे, अनुरूपता प्रश्न है। पहले दो जोड़ियों के संबंधों को ग्रहण कर तीसरा शब्द का संबंधित जोड़ी आपको लिखना है। त्रिधरा कविता है, फिर बिखरे मोती कहानी है। रानी का अन्य लिंग राजा होता है, फिर बेगम इस शब्द का जो अन्य लिंग रूप है कि बादशाह। अगला है तीसरा प्रश्न है, अंगूर यह एक फल के लिए उदाहरण है, फिर गुलाब किसके लिए उदाहरण है? गुलाब तो एक फूल है। चौथा प्रश्न है कि दिया का समानार्थक शब्द दीप होता है, फिर उसी प्रकार पताका का समानार्थक शब्द होता है झंडा, इसे तिरंगा भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, अन्य लिंग शब्द को लिखना था। दिए गए शब्दों के लिए अन्य लिंग लिखना है। प्रश्न 1, बादशाह और बादशाह का अन्य लिंग बेगम, और उसी प्रकार दूसरा राजा, राजा का अन्य लिंग रानी, और तीसरा शब्द है पिता, पिता का अन्य लिंग रूप है माता। अगला है लेखक, लेखक तो पुल्लिंग के लिए है और इसका अन्य लिंग बदल दिया तो लेखिका होगा। प्रश्न 5, देवी, पर इसका अन्य लिंग देव। फिर छठा है बहन है, बहन तो स्त्रीलिंग शब्द में है और इसका अन्य लिंग बदल दिया तो होता है कि भाई। यहाँ तक 6 प्रश्न थे कि अन्य लिंग में बदलना। अगला प्रश्न आ गया अन्य वचन रूप में लिखने के लिए। झंडा, झंडे। दूसरा दरवाज़ा, दरवाजे। तीसरा शब्द है कि ओढ़नी है, फिर ओढ़नी का अन्य लिंग बदल दिया तो हो गया कि ओढ़निया। पहले आपको समझ लेना है कि दिए गए शब्द किस वचन में है। अगला प्रश्न है कहानी, कहानी का अन्य लिंग बदल दिया तो हो गया कि कहानिया। डंडा, डंडे। फिर थाली है, फिर थाली का अन्य लिंग बदल दिया तो थालिया, या के ऊपर चंद्र बिंदु सहित बिंदी को लगाना है। यहाँ तक हमने अन्य लिंग वचनों के शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। आगे की गतिविधि है प्रश्न, मुख्य प्रश्न 10 पर समानार्थक शब्दों को लिखना है, यानी समान अर्थ देने वाले शब्दों को आपको लिखना था। समीप है, फिर समीप के लिए समानार्थक शब्द है पास, नज़दीक। दूसरा खून है, खून के लिए समानार्थक शब्द मिलता है रक्त, लहू। ओके, अगला है समानार्थक शब्द के लिए झंडा, झंडा के लिए समानार्थक शब्द मिलता है ध्वज, पताका, तिरंगा भी कहते हैं। चौथा शब्द था कि संतोष है, संतोष के लिए समानार्थक शब्द आनंद, सुख, खुशी। अगला चलेंगे मुख्य प्रश्न 11 पर, उचित शब्द से लेकर खाली जगह को भरना था। बड़ा भारी जुलूस डैश था, उतरे निकलना। दूसरा वह सारे घर का दुलारा डैश उतरे था, वह सारे घर का दुलारा था। दिए गए दो विकल्पों में से सही शब्द को चुनकर वाक्यों में भरना था। तीसरा है झंडे की तैयारी होने डैश, सही उत्तर है लगी। चौथा प्रश्न है कि लोग भागे डैश, सही उत्तर है आए, लोग भागे आए। यहाँ तक हमने विकल्पों को चयन कर वाक्यों में पूरा करने के लिए सीख लिए।
आगे की गतिविधि की खाली जगह को यहाँ पर भरा गया है। पहला शब्द था कि मिलना, मिलाना, मिलवाना। उसी प्रकार दूसरा है देखना, दिखाना, दिखवाना। यह तो प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द है। प्रथम और प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक शब्दों को लिखना था। तीसरा है खाना, खिलाना, खिलवाना। चौथा है बैठना, बिठाना, बिठवाना। फिर अंतिम शब्द है बच्चों घूमना है। फिर घूमना का प्रथम प्रेरणार्थक घुमाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप घुमवाना। आगे की गतिविधि है नए शब्दों को बनाना। इसे उपसर्ग कहते हैं। अन ये तो उपसर्ग है, अन जमा जान, अन जान। इसी प्रकार बे भी एक उपसर्ग है, बे जमा जान, बे जान। शब्दों के पहले लगते हैं, इसे उपसर्ग कहते हैं। आगे है तीसरा सु प्लस जान, सुजान। फिर चौथा था कि अन प्लस जान, अनजान। सु अन ये सभी उपसर्ग के लिए उदाहरण था। यहाँ तक पूरी तरह से गतिविधियों को हमने पूरी की। छात्रों, यहाँ तक मैंने आपको दूसरा पाठ गुलाब सिंह पाठ के अभ्यास के गतिविधि पर सभी मुख्य प्रश्नों या उप प्रश्नों के बारे में जानकारी दिया हूँ। यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए। और भी अन्य वीडियो के लिए कृपया प्रतीक्षा रखें।